Hey, what's up, beautiful family? This is Ankit. कैसे हैं आप? I hope आप सब ठीक होंगे और फिट होंगे. So guys, आज आपके इस चैनल पर मैं रिव्यू करूंगा Wellcore के माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का. करीब 7-8 महीने बाद, जी हाँ, करीब 7-8 महीने बाद मैं कोई नया क्रिएटिन ब्रांड यूज कर रहा हूँ. मैं बहुत लंबे समय से फास्टनर पर क्रिएटिन यूज कर रहा था एंड अब मैं एक नया ब्रांड यूज करना चाहता था, बट मैं सारे ब्रांड्स पे क्रिएटिन के खास करके ट्रस्ट नहीं करता. तो Wellcore एक धीरे धीरे करके काफी ट्रस्टेड और काफी नाम कमा रहा है सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज में, तो Wellcore पे मुझे थोड़ा ट्रस्ट है. एंड इसलिए अभी भी कुछ टाइम पहले, शायद 2-3 महीने पहले, उन्होंने अपना क्रिएटिन लॉन्च किया, तो मैंने इनका क्रिएटिन मंगाया एंड मैं यूज करना चाहता था. एंड जो बात साफ, मैं अपना ब्रांड एंड अपना प्रोडक्ट बदलना चाहता था क्रिएटिन के मामले में. तो गाइस, क्रिएटिन मोटा मोटा आपको बता दूं, गाइस क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ में कमाल का रिजल्ट देती है. क्रिएटिन एक सबसे ज्यादा वेल रिसर्च सप्लीमेंट है, प्लस क्रिएटिन 110% गारंटी रिजल्ट देने वाला सप्लीमेंट होता है. ये आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. बस आपको 10 से 15 दिन बाद इसके रिजल्ट देखने शुरू होते हैं. इसे आपको पोस्ट वर्क, वैसे मैंने हमेशा सजेस्ट किया कि इसे आप पोस्ट वर्कआउट में लें, सबसे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन होती है, बट आप दिन में कभी भी इसे ले सकते हैं. ये तो बात रही मोटी मोटी. अगर आप क्रिएटिन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैंने क्रिएटिन के बारे में बताया है. तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. पैकेजिंग सिंपल हमेशा की तरह, Wellcore पैकेजिंग पर पैसा नहीं बर्बाद करता एंड मुझे इस चीज़ से कोई शिकायत नहीं है. कंपनीज को अपनी पैकेजिंग पर नहीं, अपने प्रोडक्ट पर पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए. बात करोगे इस प्रोडक्ट के बारे में तो ये एक अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है. ये बॉक्स है 250 ग्राम का, जिसके अंदर मिलती है आपको 83 सर्विंग्स, यानी कि अगर आप 3 ग्राम के हिसाब से यूज़ करते हो गाइस, तो ये आपका 83 दिन यानी कि 83 डेज आराम से चल जाएगा. तो अब बताने को कुछ बचा नहीं. एक शॉकिंग चीज़ मुझे इसके साथ देखने को मिली थी. इसका जो पार्टिकल है गाइस, थोड़ा नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से ज़्यादा माइक्रो था. तो मैंने जब इसे यूज़ किया तो ये काफ़ी ईजिली तो नहीं कहूँगा, बट नॉर्मल क्रिएटिन से आराम से मिक्स हो रहा था. तो मुझे इसे थोड़ी सी शॉक कर रही थी. मैंने कंपनी से बात की एंड उन्होंने 1-2 दिन लिए और उन्होंने फिर इसकी लैब रिपोर्ट मुझे भेजी. वो लैब रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ. ये क्रिएटिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एंड लैब रिपोर्ट ने भी अप्रूव किया है. एंड उन्होंने बताया कि हमने अपने जो क्रिएटिन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा माइक्रो रखा है. रीज़न कुछ लोगों को, मुझे वैसे इस चीज़ का सच बताऊँ आइडिया नहीं है, बट कुछ लोगों को उन्होंने रिसर्च की थी कि क्रिएटिन ब्लोटिंग दे देता है, क्रिएटिन गाइस नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा पार्टिकल हैवी होने की वजह से ऐसा होता होगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है गाइस, मैं कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. मेरा ऐसा खुद का ओपिनियन है कि क्रिएटिन गाइस करने में किसी को भी दिक्कत नहीं होती होगी. हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रिएटिन की अपनी ये कंपनी की अपनी चॉइस है जो उन्होंने इसे थोड़ा ज़्यादा माइक्रो रखा है, बट इससे नुकसान कुछ नहीं है. ईजिली आपके पानी में मिक्स हो जाएगा एंड अगर आप कुछ देर तक ज़्यादा मिक्स करते हो तो कुछ देर बाद आपके पानी से भी ऐसा लगेगा गायब हो लगेगा आपके पानी में कुछ था ही नहीं. तो ये तो रही बात इस प्रोडक्ट की और इसकी मिक्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में. रिजल्ट की बात करूँ, ऑलमोस्ट 30 दिन हो चुके हैं इसे यूज़ किए हुए एंड कमाल का रिजल्ट मुझे देखने को मिला. और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी पता है? ये जिम आप देख रहे हो, हाल ही में आपके भाई ने ये जिम बनाया. आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से मैंने ये जिम खड़ा किया. इस जिम को बनाने में गाइस 1-1.5 महीने का बहुत मेहनत लगा मुझे. पूरी तरह से वर्कआउट बंद था, क्रिएटिन सप्लीमेंट सब बंद हो चुके थे मेरे. तो जब मैं क्रिएटिन यूज़ करने जा रहा था तभी मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियरिटी थी कि अगर इस प्रोडक्ट ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया तो मुझे क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 1 महीने तक क्रिएटिन बंद कर रखा था. एकदम वही रिजल्ट जो मैं पहले से क्रिएटिन जो यूज़ कर रहा था फास्ट एंड अप का, सेम वैसे ही रिजल्ट दिया. हाँ, मिक्सिबिलिटी इसकी बेटर थी क्योंकि इसका जो पार्टिकल थोड़ा माइक्रो था. और कुछ नहीं है, क्रिएटिन गाइस ऐसा सप्लीमेंट है जिसके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं होता. थोड़ा सा और एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, क्रिएटिन आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, क्रिएटिन इवन आपकी रिकवरी में भी हेल्प करता है एंड क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है गाइस जो बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च है. इसका रिजल्ट गारंटीड होता है, विजिबल होता है, बट हाँ आपको 15-20 दिन पेशेंट के साथ इसे यूज़ करना होता है एंड जो रिजल्ट आपको देखने को मिलता है वो कमाल का होता है. तो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट को लेने में तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. वो लिंक आपको ले जाएगा डायरेक्ट Wellcore की वेबसाइट पर, जहाँ से आप 100% जेन्युइन आपको क्रिएटिन मिल जाएगा. प्लस इस पर्टिकुलर कोड को यूज़ करने से चेकआउट के वक्त आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. सो गाइस, आई होप कि अगर आपके पास कोई डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछोगे. अदरवाइज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करता हूँ. अदरवाइज उन डाउट्स पर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ. अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें.